agencies to, you know, analyze the data sets today. Okay. Go through. Yeah, done. So let's load our data set. I think कल जो हमने data set पे काम किया था is clear to everyone. किसी को कोई doubt है? I think नहीं होगा, है ना? तो कल हमने कौन कौन सा डेटा सेट लोड किया? IPL हमने वर्कआउट कर लिया कल, ठीक है? ICMR बचा है, कोविड बचा है, Netflix बचा है, HBD. किसी भी एक डेटा सेट को लाते हैं एंड विल वर्क ऑन दैट. लेट्स से आई ब्रिंग ICMR, ठीक है? तो ICMR डेटा सेट, सिस्टम नो प्रॉब्लम्स है. Let me see, is the battery is there? 46%, okay, fine. So ICMR pd dot load data set. Oh, sorry, read CSV. So ICMR dot info of the graph, info of the data set. So it's saying that we have a range index of 267 entries starting from 0 to 266. Data column 6 hai aapke paas. Data types, ek integer type hai and 5 objects hai. Memory usage, it's 12.6 plus KB. Okay, fine. So columns aapke paas hai, lab, address, pin code, city, state and the type. Okay, nice. So, okay, let's go through. So, ICMR ka shape is, so you can see, I think 267 cross 6, because 267 entries are there and 6 columns are there, okay? Fine. So, I need to go through some sort of samples of the data set. So, I need one sample and yeah, let's, like we have lab name, address of the lab, pin code, city, state and type of the lab. Okay, so what particular kind of labs are there? You need to go through now. So now our first analyzation is that what are the types of labs is directed in the data set, right? So we need to identify. So this would be, I think, you can go with ICMR. Batao code, batao kya hoga? D type. Mujhe chahiye ki टाइप ऑफ लैब्स, मैंने पूछा कितने टाइप ऑफ लैब्स हैं, तो मुझे टाइप दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, टाइप कॉलम को एक्सेस करूँगा, icmr dot type dot यूनिक वैल्यूज, तो मुझे क्या पता चलेगा कि कितने टाइप ऑफ लैब्स हैं. व्हाट आर द टाइप ऑफ लैब्स? दीज आर द टाइप ऑफ लैब्स, गवर्नमेंट लैबोरेटरी, प्राइवेट लैबोरेटरी एंड कलेक्शन साइट. नो प्रॉब्लम्स. या यू कैन ऑल्सो गो विद द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ICMR dot type. We can go with any of the things, right? अगर आप एक सेट निकालोगे तो you know that inset elements are not repeated. तो अगर आपको unique values निकालने हैं तो you can also go with the set functions. कोई problem है किसी को? हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ. Any doubts? नहीं ना? आगे बढ़े? चलो. अब मुझे पता चला कि we have three kind of laboratories, जो कि government laboratory है, collection site और private laboratory. अभी मैं set को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? Pandas पे work कर रहे हैं, तो हम अपने इधर basic idea. चलो. अब मुझे identify करना है कि 267 laboratories में कितने government laboratory हैं, कितने collection site हैं, कितने private laboratory हैं.
So we now need to see what are the different counts of the labs we have in the data set. Okay. Yeah, what are की जगह वी कैन राइट विजुअलाइज. तो विजुअलाइज मैं बाद में करूंगा, अभी मैं वॉटारी करके सर्च करा देता हूँ. विजुअलाइजेशन हमने पढ़ा नहीं है अभी, तो उसका आज कवर कर लेंगे. ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट काउंट चेक करते हैं. चलो तो बताओ क्या होगा कोड ICMR डॉट, जल्दी बताओ. कौन कितने बार है चेक करना है, कैसे चेक करेंगे. भूल गए हो क्या आप लोग. तो वैल्यू काउंट्स बताता है गवर्नमेंट लैबोरेटरी 182 है, प्राइवेट लैबोरेटरी 82 एंड कलेक्शन साइट 3. कंप्लीट वैल्यूज आपके 267. कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम्स रहेगा, जल्दी बताओ जल्दी. नहीं है, हाँ ठीक है. चलो तो ये हो गए आपके कि कितने काइंड ऑफ लैब्स हैं, क्लियर हो गया. ठीक है, फिर कितने लैब्स हैं वो भी क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास 3 लैब्स हैं. कितने काइंड के हैं और 3 हो गए क्लियर. उसके बाद कितने हैं, राइट, सो हाउ मेनी काउंट्स आ गए, तो 182, 82 एंड 3 आ गया. ठीक है, अभी व्हाट आर द सिटीज, विच सिटीज, किस सिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ या किस स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ लैब्स हैं, है ना. यू नीड टू काउंट दैट इन विच स्टेट यू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ लैब्स. काउंट कर सकते कौन से नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ लैब्स हैं. ठीक है, और किस टाइप के लैब्स है मैक्सिमम नंबर, अगर है तो कौन से टाइप के मैक्सिमम नंबर ऑफ लैब्स हैं, या कौन सा टाइप का बाद में देखेंगे. तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लैब्स कितने हैं, कौन से स्टेट में. तो क्या करेंगे बताओ, बताओ यार कोड बताओ जल्दी. किसने कहा कोड, हाँ नाम बताओ किसने कहा. साक्षी. अब मुझे ये बताओ मैक्स फंक्शन से क्या निकलता है, मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, है ना. यस सर. चलो तो मैक्स अगर फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि ICMR प्राइवेट सॉरी टाइप में, तो टाइप में वी हैव 3 काइंड्स. चलो ठीक है, इन 3 काइंड्स में से व्हाट वी सी कि मुझे एक, अगर मुझे चाहिए कि किस स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ लैब्स हैं, तो मुझे स्टेट कॉलम को एक्सेस करना है ना, तो हमको स्टेट कॉलम को एक्सेस करना पड़ेगा. अभी स्टेट में अगर मैक्स लिखेंगे तो एक स्ट्रिंग वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको क्या आएगा, ASCII कोड्स के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज मिल जाएंगे. ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैब्स कि विच स्टेट इज हैविंग मैक्स नंबर ऑफ लैब्स. तो क्या करेंगे बताओ, स्टेट काउंट करोगे ना, कौन से स्टेट कितने बार वैल्यू होल्ड कर रहा है. सेम फंक्शन, सबसे टॉप रिजल्ट वी नीड ऑल द टॉप रिजल्ट. महाराष्ट्र इज हैविंग 39 लैब्स, क्लियर. प्रॉब्लम्स, अच्छा पहला रिजल्ट नहीं भी करते, फर्स्ट 5 रिजल्ट्स चेक करते हैं. तो व्हाट आर द थिंग्स, 39, 26, 19, 18 एंड 17. तो महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा लैब्स हैं, 39 लैब्स हैं. चलो अब 39 लैब्स हैं तो कौन से काइंड के लैब्स हैं, कैसे चेक करेंगे. ICMR डॉट स्टेट, ठीक है, ICR में जहाँ जहाँ महाराष्ट्र है वहाँ वहाँ ये सारे वैल्यूज हैं. तो कौन से कितने नंबर ऑफ काउंट्स हैं, अभी इस पे इसका वैल्यू काउंट्स हम निकालेंगे. ठीक है, देखो अभी कितने का ये क्वेश्चन आया था ना, अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया था ना कि
What kind of most labs are there in the respect to above question दे रहा है, ठीक है? बाद में आप लोग study करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ऐसा लिख रहा हूँ। चलो, तो क्या करेंगे? ऐसा लिखकर dot state column को access, sorry, labs column को access करेंगे। नहीं, type करेंगे, है ना? तो मुझे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट लैबोरेटरी महाराष्ट्र में 20 है एंड प्राइवेट 19 है, तो विच काइंड ऑफ लैब्स आर मोस्ट? गवर्नमेंट लैबोरेटरी। क्लियर हो गया बात? कोई प्रॉब्लम है? और सर दोनों को एक ही स्थान पर करना हो तो किसको करना हो? अगर दोनों को मतलब जैसे अभी आपने अलग अलग करा, पहले स्टेट काउंट करा है, देन उसके बाद तो टाइप ऑफ लैब काउंट करा है, अगर इसको एक ही कमांड में करें तो? एक ही कमांड में करें तो बुलियन इंडेक्सिंग या एंड और जैसे कर लगाया था वैसे लगा सकते हैं। ओके ओके सर, है ना? हाँ चलो, तो व्हाट काइंड ऑफ लैब्स हमने चेक कर लिया कि इतने लैब्स हैं, तो महाराष्ट्र में कितने लैब्स हैं आप, तो लेकिन देखो आप जो कह रहे हो ना कि मैक्स नंबर ऑफ लैब्स निकालो, तो मैक्स नंबर ऑफ लैब्स निकालने के लिए आपने वैल्यू काउंट किया ना, तो वो दोनों चीज सेम नहीं कर सकते, एक ही आप और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के साथ, वो तो एक डिफरेंट फंक्शन है, वो किसी के साथ इक्वल होगा ही नहीं ना। महाराष्ट्र की कहाँ कहाँ वैल्यूज आ रही हैं, तो हर स्टेट के रेस्पेक्टिवली आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए वैल्यू काउंट फंक्शन है। समझाई बात? आप यहाँ पे लगा सकते हो कि महाराष्ट्र में प्राइवेट लैबोरेटरीज कितने हैं, तो सिर्फ कितने का लिस्ट आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर ऐसा लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई दिस कि सिर्फ प्राइवेट लैबोरेटरीज 19 है ना, तो चलो मैंने जैसे लिख दिया कि प्राइवेट लैबोरेटरीज का देखना है, तो ऐसा आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये सा एक एप्पल लगा के ICMR. जो भी टाइप आएगा अभी ये इक्वल इक्वल होना चाहिए किसके। अच्छा एक मिनट, किसके इक्वल होना चाहिए? प्राइवेट लैबोरेटरीज। अच्छा स्पेस ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, तो प्राइवेट लैबोरेटरीज इतने हैं, ठीक है? क्लियर हुई बात? यस सर। अब वो कौन कौन से सिटीज में, अब सिर्फ देखने हैं कि मुंबई में कितने हैं, है ना, उसमें भी सिटीज के वैल्यूज हैं, उस पर भी यू हैव कि कितने वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, या सिटीज के भी यूनिक वैल्यूज आपको चाहिए, ऐसे ही एक्सेस करते हैं ना, ऐसे ही डेटा से एक्सेस करते हो। तो महाराष्ट्र में भी अगर लैब्स हैं तो कौन कौन से सिटी में हैं, तो यू हैव नवी मुंबई, मुंबई, थाने एंड पुणे, तो थाने में डिस्टर्बेंट समझ के विश्वनाथ। हाँ, तो लेट्स से कि अगर इफ यू वॉन्ट टू सी दैट कि पुणे में कितने हैं, तो वट यू डू, सेम कोड अप्लाई, विल पेस्ट इट देयर, ओके। तो सिटी की जगह व्हाट यू विल डू कि पुणे में कितने हैं, इफ यू नीड टू आइडेंटिफाई, एक और एंड ऑपरेटर लगा दो और यहाँ पर ICMR डॉट क्या करोगे, सिटी इक्वल इक्वल्स टू पुणे, तो इतने हैं पुणे में। समझ में आई बात? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। No, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आई थिंक इसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं कि कितने कितने, ठीक है? अभी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ कि हम विजुअलाइज करना चाहे, अगर विजुअलाइजिंग विदाउट कोड लिखना हो तो विजुअलाइज करना हो, सिंपल विजुअलाइजिंग द टाइप ऑफ लैब्स एंड देयर काउंट्स एक साथ,
अगर विजुअलाइज करना हो तो SNS सीबोन में से आल यूज काउंट प्लॉट फंक्शन, इसको पढ़ेंगे कल। तो काउंट प्लॉट में वी विल बी प्लॉटिंग आवर पैरामीटर ऑफ टाइप फ्रॉम द डेटा इक्वल्स टू ICMR। तब कोई ग्राफ फॉर्म होकर आएगा जो कि ये बताता है कि गवर्नमेंट लैबोरेटरी इतने हैं, प्राइवेट लैबोरेटरी कितने हैं और कलेक्शन साइट कितना है। ठीक है, ऐसा आपको ग्राफ फॉर्म हो गया। अब इसके आप एक्सेस सेट कर सकते हो, इसके स्टाइलिंग सेट कर सकते हो, कलर मैपिंग सेट कर सकते हो। ये सब विल स्टडी। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज देयर। तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली काफ़ी थिंग्स यू अंडरस्टैंड। तो सिटी अगर देखेंगे, सिर्फ कि सिटी अगर विजुलाइज करना है तो विच सिटी हैज व्हाट नंबर ऑफ लैब्स। ठीक है, तो विल यूज SNS डॉट अगेन काउंट प्लॉट। ये सारी चीज़ें काउंट प्लॉट की है, तो इस पर यूल यूज बेसिकली आप एक प्लॉट क्रिएट कर रहे हो जिसमें यू आर प्लॉटिंग द काउंट्स ऑफ रेस्पेक्टिवली डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स आप कह सकते हो, है ना। तो वी आर प्लॉटिंग द सिटी कॉलम नाउ डेटा। I think we need to enlarge this, error आएगा, enlarge करने की need पड़ेगी I think। Let's just see what it comes, 267 values है ना। Additional customization के लिए हमने matplotlib भी import रखा है, तो let's see what values come। काफ़ी सारे changes करने पड़ेंगे, इसको अभी नहीं करते, state पर check कर लेते हैं। City has lot of values. State में I think होगा, it will be also greater, but चलो we can customize a bit. So df dot state dot value counts. Will it go? Oh, sorry. वैल्यू काउंट्स वर्क तो किया, बट लेबल्स ओके। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिख रहा है, 1 = 10, तो 10 स्टेट का वैल्यू काउंट्स दिख रहा है शायद 39। व्हाट दीज वैल्यूज, अच्छा स्टेट हैविंग 39 वैल्यूज, देन 1, 2, 3, 4, वाह इट्स नॉट वेरी गुड वैल्यूज। ओके, तो फर्स्ट 50 ऑब्जर्वेशन का डेटा अगर प्रिंट करते हैं VLT डॉट फिक्स साइज, थोड़ा इम्प्रूव कर देता हूँ साइज का। एक साइज को इंप्रूव करके 15x9 का रखते हैं, 15 inches x 9 inches, लेट्स सी व्हाट व्हेन इट कम्स, आई थिंक अ ग्राफ वुड बी बेटर। हां, तो वी आर गेटिंग अ स्लाइट एट ओके ग्राफ, यू कैन से अप टू ओके लेट्स से अप टू 30 ऑब्जर्वेशंस, 15x9 इज गेटिंग लार्जर, लेट्स लेट इट बी 7x12। या so it's Andaman and Nicobar, then Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, okay, kind of 26 to 57, yeah, so Chhattisgarh, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi and Gujarat। So these are the observations, kis tarah se observations aati hain, ये ग्राफ्स का हो गया। ठीक है, चलो अभी आई थिंक इट्स क्लियर। डेटा सेट पे आप वर्क कर सकते हो, आप जाके एनालाइज कर लेना। ठीक है, अभी लेट्स गो विद द नेटफ्लिक्स डेटा सेट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करने की है दोबारा से। तो नेटफ्लिक्स CSV को लोड करते,
So info, we have 6,234 entries over some 12 columns. So ye sare columns hai, particular two integers hai, 10 objects hai, okay, fine. So IDs hai, type, title, cast, country, date, added, okay, fine, good. Memory usage 584.6 plus KB, better. Now let's say, if we take a sample, okay, this is Indian movie, okay, director, let it be. So we are getting a show ID, movie, it's fine, Ismail Farooq, okay, whatever it is. We are getting man values, okay, let's rerun. So whatever it is, right, okay, descriptions, fine, okay. So this is like one of a content what you're having, okay. Okay, so let's see like what are the different type of you know, shows, movies, whatever it is, web series, what Netflix is having. So what we'll do, okay, before this let me add a once, if you go through, you can just understand which data set it is. So, okay, कोई problem किसी को? देखो ये चीज़ होता है कि आप Google Colab में open करोगे या Drive से, if you are opening this directly, आपको sections मिलेंगे, section by section you can have options to go through. Okay, चलो. So, if you see the different. किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? है ना, तो व्हाट यू यूज Netflix dot type dot बताओ बताओ यूनिक. अभी इतना तो क्लियर हो गया होगा. तो टीवी शो है एंड मूवी है बस, ठीक है. ऑलराइट, कितने मूवीज एंड कितने टीवी शोज हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स इन द डेटा सेट एंड देयर काउंट्स. तो यूनिक फंक्शन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से आपको टाइप भी पता चल जा रहा है और काउंट भी पता चल जा रहा है. तो 4265 मूवीज हैं, 1969 टीवी शोज हैं एंड कंप्लीट डेटा इफ आई सी कि इनका सम अगर देखते हैं तो 6234 हो रहे हैं. ओके, एंड नेटफ्लिक्स का जो साइज या शेप चेक करेंगे तो आई थिंक कुछ मिसिंग है क्या? नहीं नहीं ठीक है ठीक है. तो यू हैव दिस, ठीक है, इतने आपके पास मूवीज हैं, टीवी शोज हैं, ठीक है. अब इसके रेस्पेक्टिवली कॉलम्स चेक करते एक बार, कितने कॉलम्स यू हैव हैं. तो नेटफ्लिक्स के कॉलम्स क्या हैं और इन कॉलम्स को एक लिस्ट फॉर्मेट में क्रिएट करके चेक करते हैं, इट वर्क्स. हाँ, तो वी हैव शो आईडी, टाइप, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, रिलीज ईयर, रेटिंग, ड्यूरेशन, लिस्टेड इन, ओके, डिस्क्रिप्शन और लिस्टेड इन तक पे आई थिंक समवेयर. यहाँ तो ड्रामाज, इंटरनेशनल मूवीज, ठीक है चलो देखते हैं. तो रिलीज ईयर, तो व्हाट आर द डिफरेंट ईयर्स वी आर हैविंग, which number of years, like what range of the values we are having. Explore किया था क्या किसी ने घर पे?
फास्ट हो रहा है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ चलो बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? पार्श्व, समीक्षा, अक्षय, साक्षी, क्षितिज, विश्वनाथ, युवांशी, नहीं सर, नो सर, नहीं है ना? नो सर, नो सर, हाँ नो सर, ठीक है, गुड। चलो तो व्हाट आर द रेस्पेक्टिव इयर्स डेटा गिवन इन दी डेटा सेट? चलो अरे यार स्पेलिंग एरर है। हाँ तो नेटफ्लिक्स डॉट कहाँ जाना है हमको, बताओ बताओ, रिलीज ईयर में, ठीक है? रिलीज ईयर का यूनिक वैल्यूज देखते हैं, तो व्हाट आर द रेस्पेक्टिव ईयर्स डेटा गिवन, तो एक काम करते वैल्यू काउंट चेक कर लेते हैं सबसे बेटर है, तो कितने हैं वो भी पता चल जाएगा बाद में, उसके लिए सिमल्टेनियसली फिर काउंट करो, इससे बेटर है कि आप एक बार में काउंट कर लो। 2018 से 1925, अच्छा काफ़ी सारे हैं क्या, एक मिनट को तो years का डेटा है, ठीक है, ओके, तो अच्छा वैल्यूज यूनिक वैल्यूज सही है, तो ये सारे वैल्यूज हैं 1925, 42, 43, 44, आई थिंक सॉर्टेड वैल्यूज आया क्या? हाँ सॉरी 25 टू 2020 बीच में गैप से क्या, हाँ देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, 25 के बाद 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड आई थिंक उसके बाद कंटिन्यूसली गया हुआ है क्या, 42 से 96, ठीक है, तो टिल 2020 तक का डेटा है इस पे, है ना? इट्स 2021 गोइंग नाउ, 2020 तक का डेटा है, तो वी कैन सी दैट लास्ट ईयर कितने निकले, है ना? लास्ट ईयर में क्या क्या हुआ चेक करना है, लॉन्च नहीं करना चाहिए, रिलीज कर रहे हैं ज्यादा बेटर। लास्ट ईयर और इन द ईयर, अब मुझे दिख रहा है तो मैं चेक कर सकता हूँ, इन द ईयर 2020 क्या करेंगे, नेटफ्लिक्स ये आ गया, कितने निकले पहले तो चेक करते हैं, व्हाट ऑल टाइप्स आर देयर, टाइटल्स ले लो, टाइटल्स तो टाइटल्स ऐसा दिख जा रहा, मिस्टर यंग ये सब लेकर काफी सारे, ठीक है, इन इंडिया चेक करें तो है ना ज्यादा बेटर है, इंडिया का स्पेलिंग में आई कैपिटल लिखा है कि इसने सब कुछ जैसे ही रखा है, हाँ वेरी गुड, एक मिनट, कुछ भी रिलीज नहीं आया क्या लास्ट ईयर, आई थिंक स्पेलिंग एरर था क्या, नहीं नहीं मतलब लास्ट ईयर कुछ भी रिलीज नहीं, 19 चैप्टर इसको नहीं दिखा रहा है कुछ भी, है ना? तो लास्ट ईयर जो भी रिलीज हुआ है इसका शेप चेक कर लेते हैं, तो 47, ओके ग्रेट, तो टाइटल्स हमें को चाहिए टाइटल्स, राइट, तो वी विल एक्सेस डॉट
python ना. तो पूरे पूरे 47 वैल्यूज हैं बॉलीवुड कॉलिंग एंड लॉट ऑफ वर्क. ये अपने इंडिया के सारे नेटफ्लिक्स के जो भी रिलीज हुए हैं अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो इसको एक एरे में फॉर्म करके देख सकते हैं. सीरीज का प्रॉब्लम होगा तो वो एरे क्रिएट नहीं कर सकते. वेरी गुड. ये सारा है वैल्यूज, ये तो एरे है. तो वी कैन कन्वर्ट दिस इन लिस्ट फॉर्मेट. एक मिनट, एम्पायर एनडी एरे एज एट्रीब्यूट टू लिस्ट. हां, तो ये 2019 का डेटा है ना. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट नेट आईएनडी 19. तो वी कैन प्रिंट दिस नेट ये हो गया. तो ये सारे जो हैं आपके नेटफ्लिक्स का डेटा है जो 2019 में प्रिंट हुआ या रिलीज हुआ इंडिया में. कोई प्रॉब्लम कोड समझने में? अभी तक तो सिंपल सा कोड कर रहा हूँ. कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बताओ. यस नो? नो सर. नहीं है ना. चलो आगे. अब कंडीशन मैं दे रहा हूँ, कोई एक सॉल्यूशन बताना तुम लोगों से कोई भी. चलो ठीक है. क्योंकि मैंने दिया यूसेज में ऑब्जेक्ट दिया है रेटिंग. रेटिंग किस में दिया है? इसने ऑब्जेक्ट में दिया है. अच्छा अच्छा डेटा एडेड भी इंटीजर्स किसमें शो आई डी इंटीजर है और रिलीज ईयर इंटीजर है. चिल्ड्रन टाइप का कहाँ गया? लिस्टेड इन. अच्छा एक मिनट. नेटफ्लिक्स डॉट लिस्टेड इन का वैल्यूज क्या है? अच्छा इतने ही वैल्यूज हैं. चिल्ड्रेन एंड फैमिली मूवीज कॉमेडीज स्टैंड अप कॉमेडी किड्स. अच्छा इतने नहीं है, काफ़ी है. बीच में डॉट्स भी है आपके पास. तो चिल्ड्रेन एंड फैमिली मूवीज चेक करने के कितने चिल्ड्रेन एंड फैमिली मूवीज में लाइक करते हैं कितना कॉमेडी. अच्छा कॉमेडी भी इंक्लूडेड है इसमें, तो उसको कॉपी कर लेते हैं. तो मुझे चेक करना है कि कितने चिल्ड्रेन के लिए दिए गए हैं पूरे नेटफ्लिक्स डेटा सेट में. कितने शोज या कितने मूवीज ऐसे हैं जो कि चिल्ड्रन कैटेगरी में लाई करते हैं. तो व्हाट आर द डिफरेंट शोज और मूवीज दैट लाई इन द चिल्ड्रन कैटेगरी. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलो बताओ कोई कोड बताओ. बताओ कोई भी एक दिन बताओ जल्दी से. आइडेंटिफाई कैसे होगा? ऐसा क्या करेंगे? Netflix क्या करना है? देखो चेक करना है ना कि सिर्फ चिल्ड्रन कैटेगरी में कितना पड़ रहा है ना. तो आपको क्या करना है, किसमें मिलेगा ये हमको? रिलीज्ड इन में है ना. रिलीज्ड इन कहाँ गया वो? अरे किधर गया? रेटिंग में मिलेगा ना, चिल्ड्रन कैटेगरी का. लिस्टेड इन में मिलेगा. रेटिंग में तो शायद एक बार चेक कर लेते हैं. कह रहे हो तो देख लेते हैं रेटिंग को. ये तो ऐसा कुछ दिया. अच्छा
NRTVY7FV। देखो इससे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है, तो कर लेना क्या काम सर। लिस्टेड अंडरस्कोर इन है। हाँ तो लिस्टेड इन अंडरस्कोर इन, इसमें देखो तो इस पे क्या करोगे, इक्वल इक्वल्स दिस, बस हो गया काम। अब इसके बाद पैरामीटर्स लगाएंगे एक के बाद एक, तो वैल्यूज आते जाएंगे। क्या प्रॉब्लम, इनवैलिड सिंटैक्स? अच्छा कितने हैं, बहुत सारे हैं क्या? 129 है। ओहो मतलब 6000 में सिर्फ 129 ही आएंगे। ये सारे PG TVY7 और ये इसमें से कुछ नैन भी हैं, है ना। तो अभी नलिटीज देखेंगे कि कितने नल हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, और जो नैन है उनको कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो कंट्री दिया पड़ा है यहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना। अच्छा, किसी किसी में इन्होंने ऐसा सिर्फ ऐसा भी रखा है कि इंडिया ऐसा साइड में डाल दिया होगा, तो वो काउंट नहीं हुए होंगे इस पे जो हम लोग ने अभी निकाला इधर कि 2019 में इंडिया में कितने हुए, है ना। चेक कर लेना एक बार आप लोग वापस से, एक्सप्लोर करके देखना घर पे कि एग्जैक्टली अगर कुछ और भी है, 2019 का पूरा देख लेना कितना आ रहा है, उस पर आप चेक करना कि आता है कि नहीं। तो ये चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज में आ गया है। ओके अब दिस कॉलम का आप देखो कि कॉलम का पूरा वेट नहीं है, तो कॉलम का वेट आप चेंज कर सकते हो। मैंने आई थिंक डेटा फ्रेम हमने फर्स्ट डे देखा था ये चीज़, इसका डाउट था समीक्षा का था शायद, है ना। तो वो चीज़ आप करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन देखना हो तो पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अच्छा तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई हो गया, अभी इस पर आप चेंज करना चाहो कि कौन से ईयर में, 1925 में भी रिलीज हुआ है, देखो फर्स्ट वाला ही चिल्ड्रन कैटेगरी है। Nice. तो 90 मिनट्स ड्यूरेशन देखना हो या टाइप देखना हो, टीवी शो या मूवी, आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे नलिटीज ऑफ आवर डेटा। अभी चेक किया जाए कि नेटफ्लिक्स में कितने नल वैल्यूज हैं। तो ऐसा अगर चेक करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसा फॉल्स ट्रू आएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ कितने नल वैल्यूज हैं। कर सकते क्या काउंट, कैन वी काउंट दिस कि कितने नल वैल्यूज हैं, एक एक कॉलम में रिस्पेक्टिवली जाने पड़ेंगे। क्या करेंगे अभी, वैल्यू काउंट करेंगे? नहीं, क्योंकि हर कॉलम के रिस्पेक्टिवली भी तो नहीं जाना है। तो देयर इज अ फंक्शन डॉट सम, तो शो आईडी में 0, टाइप में 0, डायरेक्टर में 1969 नल वैल्यूज हैं, कास्ट में 570 नल वैल्यूज, कंट्री में 476, डेट एडेड 11, रिलीज या 0, रेटिंग्स 10। तो एक करते हैं ग्राफ चेक करते हैं, हीट मैप, डिस्प्ले विल गो विद डीएफ, सॉरी नेटफ्लिक्स इज नल, सी मैप, और ये ग्राफ प्लॉट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट काइंड टू। एक मिनट, पीएलटी डॉट ट्रिगर size equals 8 plus 5। तो अभी आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन साइज, ठीक है कि अभी मैं इस पे एनोटेशंस भी लगा दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर पड़े देखने में। एक मिनट लगाता हूँ,
देखो हीट मैप इज वेरी यू नो लाइक पढ़ेंगे आगे इसको क्या होता है कैसे करते हैं। सिंपल सा चीज़ है, हीट मैप में आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दिखते हैं, कुछ और नहीं है। ठीक है, अगर जैसे हम नो लाइक नॉर्मल सा यूज़ कर रहे हैं, एक सेकंड दिखाता हूँ, इट लुक लाइक क्वाइट वेरी नाइस एक्चुअली। एक यूनिफॉर्म डेटा क्रिएट करो, ठीक है, मैंने कहा एन पी डॉट रैंडम डॉट एक रैंडम डेटा क्रिएट किया, 10x12 कॉलम्स का, ठीक है, एक एक्सेस क्रिएट करो एसएनएस डॉट हीट मैप और यूनिफॉर्म डेटा उसमें डाल दो, बस ठीक। अब एक्सेस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा वैल्यू, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, सेम यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज करते तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि एग्जैक्टली शो क्या करता है। थोड़ा वास्ट में, हाँ तो अभी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, बूलियन वैल्यूज दिख रहे हैं कि ये कुछ वैल्यूज जीरो से स्टार्ट होगा और वन तक जाता है ना, तो वन मतलब ट्रू रिजल्ट इज देयर, ट्रू और फॉल्स, ये इसी के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, राइट। तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा वन, है ना, तो पैरामीटर्स हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पैरामीटर चेंज करके मैंने लिख दिया कि जो मिनिमम वैल्यू है वो वन होनी चाहिए, सॉरी जीरो होनी चाहिए, और वी मैक्स जो है वर्टिकल मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो वन होनी चाहिए। तो अभी हम रन करेंगे तो हमको जीरो एंड वन दिख रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम? छोटा सा कोड है, देखो एक थीम सेट किया, थीम क्या होता है ये बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी क्या देखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यूनिफॉर्म डेटा नाम का एक वेरिएबल है, रैंडम डेटा क्रिएट किया 10x12 कॉलम्स का, हीट मैप के अंदर आपने प्लॉट किया, सिंपल सा, ठीक है, 10x12 कॉलम्स का वैल्यू प्लॉट किया, कौन सी वैल्यू किस में आ रही है वो पता चल रहा है कि पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो पहली वैल्यू क्या होगी, जीरो के आसपास है या 0.2 के आसपास होगी वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? ये जो लाइट कलर है ये कहाँ है, वन के आसपास पे लाइट कर दिए वैल्यू, समझ में आ रहा है क्या बात? यस सर, है ना। तो ऐसा अभी जीरो आपको चाहिए सेंटर में या वैल्यूज आपको चेंज करने हैं, ठीक है, आप जो भी अभी आगे का अगर वैल्यू चेंज करते हैं, अगर आपको जीरो चाहिए सेंटर पे तो आप ऐसा लिख सकते हो सेंटर इक्वल्स टू जीरो, अगर वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो। वी मैक्स वी मिन नहीं लिखना है, हटा के सेंटर इक्वल्स टू जीरो लिखा है तो प्लॉटिंग अकॉर्डिंगली आएगी। एक नया ग्राफ दिख रहा है आपको, सेंटर आपका जीरो हो गया है, ठीक है, अभी तो ये आप वैल्यू 0.2 इधर, एक सेकेंड इधर आया सेंटर। अच्छा, एक्सेस पे रैंडम आया, ठीक है, वैल्यू कर दिया जो नहीं, सर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सर कैसे एनालाइज करेंगे डेटा? हाँ एक मिनट, बता रहा हूँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली कैसे एनालाइज करेंगे डेटा को, ये पूछा ना तुमने। चलो अभी हमारे पास आईसीएमआर का डेटा सेट है ना, उस पर जाएंगे वापस, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको शो करूँगा कि कैसे एनालाइज करते हैं। मान लो कि ये डेटा सेट पे मुझे देखना है कि वैल्यूज कहाँ कहाँ पे है, मैं लिखूंगा एनोट वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रू। एनोट वैल्यूज बेसिकली होता है आपका टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, और फॉर्मेट मैं यूज़ कर लूँगा कि मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में देखना है, तो मैंने FMD इक्वल्स टू डी, क्या प्रॉब्लम आ गया, फॉर्मेट कोड डी फॉर द ऑब्जेक्ट टाइप फ्लोट। अच्छा, टाइप रैंडम करना ना, तो आपको दिखेगा फ्लोट वैल्यूज अभी। अब क्योंकि फ्लोट वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंगली डेटा देखो आपके इधर उधर मिश बोल सकते हो, पूरा मिक्स हो गया है। तो एक काम करते हैं, रैंडम वैल्यूज निकाल कर इनको राउंड ऑफ करते हैं, पहले राउंड ऑफ करें कितना, 3 से राउंड ऑफ करके ख़त्म करते हैं। अब शायद मे बी नहीं अभी भी, तो एक काम किया जाए इसको 20 को इंक्रीज 15 करते हैं, 15 क्रॉस 10 करके चेक करते हैं व्हाट्स द टाइप यू आर गेटिंग, थोड़ा बड़ा आएगा हाँ बट क्लियर है।
फिर प्रॉब्लम ग्राफ में थोड़ा सा पीछे कर लो। हाँ अभी आपको समझ में आ रहा है कौन सी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, आप पढ़ सकते हो। अरे अगर मैं रैंडम डेटा क्या क्रिएट किया हूँ, यूनिफॉर्म डेटा, यूनिफॉर्म डेटा को अगर रन करूँ तो यही आएगा ना 0.986, किधर गया 0.986, देखो 000। ठीक है, या अगर एक डेटा फ्रेम क्रिएट करो इसका ऑफ यूनिफॉर्म डेटा, तो यही आ रहा है ना वैल्यू 0.986, 0.662, ऐसी वैल्यूज देखो, लास्ट की वैल्यूज देखो 0.19, 0.019, 0.028, 0.225, 0.773, 0.028, दिख रहे हैं वैल्यूज, दिख रहे हैं आपको सेम वैल्यूज हैं, ध्यान से देखो घूर करके एकदम। यस सर, है ना। तो यही डेटा, अभी किसी ने पूछा ना सर कैसे एनालाइज करेंगे, ऐसे ही एनालाइज करते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ। अब हमारे केस में क्या हो गया, किधर गया ये, हाँ इधर आए। अब इसमें क्या दिख रहा है, हमने एक बूलियन वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो वी हैव फाउंड दैट दिस पर्टिकुलर कॉलम डायरेक्टर कॉलम में बहुत सारे नल वैल्यूज हैं। कैसे पता चल रहा है नल वैल्यूज, हमने सर्च किया कि नेटफ्लिक्स डॉट इज नल, मतलब कहाँ कहाँ पे नल वैल्यूज है, ट्रू या फॉल्स में वैल्यूज मिलेगी। तो एक काफ़ी सुंदर सा ग्राफ क्रिएट हुआ है जहाँ पर येलो वैल्यूज का मतलब वन, मतलब ट्रू है, ये चीज़ हमने पढ़ा है, और पर्पल मतलब फॉल्स हो रहा है, मतलब जीरो है। तो ये सारे जगह पे वैल्यूज हैं, तो ये पूरा फॉल्स आ गया है, और यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, तो किस किस रो में नहीं है वो भी आपको पता चल रहा है, 6006 पे नहीं है, 575 पे। अब ये रेंजेस क्या है, बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है, और इनका कोई फिक्स ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर जहाँ पे ब्लैंक है वो बता रहा है आपको, वैसे ही ये कास्ट में जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है वो आपको पता चल रहा है। आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, तो इसके रेंजेस भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ का लाइन विड्थ चेंज कर सकते हो, लाइन विड्थ आपको चेंज करना हो तो लाइन विड्थ ऐसा पैरामीटर डालो, लाइन विड्थ चेंज करके 0.5, 0.3, 0.2 जैसा लेना हो, 0.5 लेना हो, 0.3, 0.5 जो भी लेना ऐसा, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हो वैल्यूज अकॉर्डिंगली। अब मैपिंग वैल्यूज अगर आप यूज़ करते हो, कलर्स चेंज करने हैं आपको, तो सी मैप से आप कलर चेंज कर सकते हो, ब्लू ग्रीन्स ऑरेंजेस कुछ भी आप डाल सकते हो, ब्लूज डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको वैल्यूज मिलेंगे। तो कलर्स भी मैटर्स अलॉट, देखो कलर डाल दिया मैंने ब्लू, तो ब्लू के अकॉर्डिंगली पूरा ब्लू का पैटर्न का कलर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आप उस पर लोकेट करना चाहते हो कोई पर्टिकुलर पॉइंट को, तो आप लोकेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं आपको ग्राफिंग्स में, ठीक है। तो ये ग्राफ का चीज़ है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्लियर हुआ क्या बात, अच्छा ये डेटा समझ में आया जो भी प्लॉट किया यहाँ पर छोटा था, कुछ ज़्यादा वास्ट चीज़ तो नहीं है। ये सारे पैरामीटर समझ में आए जो लिखा, वी मीन, वी मैक्स, एनॉट, एफ एम टी, लाइन विड्थ, सी मैप, कुछ समझ में आया क्या है ये? देखो ये मिनिमम वैल्यू है, जो ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है इसका मिनिमम जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम वन होना चाहिए। एनॉट मतलब मैंने क्या क्या, जब मैं एनॉट नहीं लिखा तो क्या हो रहा था, सिर्फ आपको पॉइंट्स प्रिंट हो रहे थे। ये अगर मैं हटा दूँ वापस से, कोई कन्फ्यूजन मत रखना सर ये क्या करा दिए लास्ट में, कुछ नहीं आया समझ, ठीक है। ये ऐसा कुछ बॉक्स आपको दिख रहा था, अभी एग्जैक्टली इसमें क्या क्या वैल्यूज है मैंने दिखाने के लिए आपको क्या कहा कि एनॉट को हमने लिखा ट्रू, मतलब टेक्स्ट प्रिंट करना है अगर तो ग्राफ में, तो एनॉट इक्वल्स टू ट्रू होता है, पैरामीटर है, आप स्टडी करना बाद में, ठीक है। फॉर्मेट एफ एम टी मतलब फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट क्या है, फ्लोट है, तो एफ लिख दिया फ्लोट। लाइन की विड्थ हो गई 0.5, तो गैप दे रहे हैं लाइन्स में, देखो आपको दिख रहा होगा हर बॉक्सेस के बीच में कुछ गैप्स दिख रहे हैं वाइट, दैट इज 0.5 इंचेस का गैप है एक एक बॉक्स के बीच में। सी मैप है कलर मैपिंग, ये बाद में पढ़ेंगे सीबॉन में, कलर मैप का स्टाइल हमने ले लिया ब्लू, तो इसको रन किया और ये ऐसा कुछ आएगा अब। हाँ कोई प्रॉब्लम, अच्छा साइज इंक्रीज किया है ऊपर में, PLT डॉट फिगर, एक फिगर का साइज कल पढ़ने वाले मैट प्लॉट में, ठीक है, तो साइज इंक्रीज किया, थीम सेट कर दिया। अच्छा इधर होगा कहीं तो मैं अब दिखा देता हूँ आपको, डोंट री स्टार्ट, आज ही पढ़ा है DS3 के बैच में, कहाँ गया वो साइज, इधर गया। हाँ ये सारी पैलेट्स अवेलेबल हैं आपके पास एज अ कलर, तो इतने सारे इसमें से हमने कोई एक, हाँ मैंने एक उठा लिया ये ब्लू, ये उठा के पेस्ट किया, ठीक है। वैसे इतने सारे स्टाइल्स हैं, पढ़ेंगे इसको सीबॉन में देखेंगे तो फटाफट पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डाउट बताओ? नो सर। हाँ ठीक है, तो क्लियर हो गया डेटा सेट कैसे, अभी बाकी एक्सप्लोर करो, ग्राफ्स बनाओ, क्रिएट करो ग्राफ, एक बार स्टडी कर लोगे तो आगे और भी अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। इसको थोड़ा सा
बोलोगे सर इस पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या वो सारी चीजें जो हमने यहाँ लगाया, नल वैल्यूज एन नॉट इक्वल्स टू ट्रू, या क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऐसा अगर करे तो क्या होगा, कहाँ गया ग्राफ? देखो अब यहाँ पे 6000 वैल्यूज हैं, इधर कितने वैल्यूज थे आपके पास? 10 वैल्यूज। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करने